किए थे और सेक्स ऑर्गन में हम लोग बेसिकली आपका उस ऑर्गन सेक्स ऑर्गन चूंकि टू टाइप्स के, एक प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और एक सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन वो सेक्स ऑर्गन फैन बंद करो, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जल्दी बंद करो बैठ जाएंगे। सेक्स ऑर्गन उस सेक्स ऑर्गन को कहेंगे जो गैमिट को प्रोड्यूस करता था। और जैसे हम लोग ह्यूमन बीइंग की बात करें तो जो टेस्टिस होगा वो मेल प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, और जो वो फीमेल प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। उसी तरह से प्लांट की बात करें तो प्लांट में भी सेक्स ऑर्गन होते हैं। जैसे हायर प्लांट की बात करें ना, एंथर की बात कर देंगे, ओव्यूल की बात कर देंगे, उसके अंदर भी तो गैमिट बनते हैं ना। उसी तरह से कुछ इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है, अगर हम रेड अलगी की बात करें, ब्राउन अलगी की बात करें, अगर हम ब्राउन अलगी की बात करेंगे ना तो ब्राउन अलगी में क्या होगा, मेल सेक्स ऑर्गन एंथ्रिडियम होगा ब्राउन अलगी में, और फीमेल सेक्स ऑर्गन उगोनियम होगा। ये सेक्स ऑर्गन का नाम है। और यही चीज अगर आप रेड अलगी में कहोगे ना तो रेड अलगी में क्या होगा, मेल सेक्स ऑर्गन का नाम होगा स्पर्मेटोगोनियम, और फीमेल सेक्स ऑर्गन का नाम होगा उगोनियम। उसी तरह से ब्रायोफाइटा टेरिडोफाइटा की बात करोगे तो मेल सेक्स ऑर्गन का नाम होगा एंथ्रिडियम, और फीमेल सेक्स ऑर्गन का नाम क्या होगा, आर्चिगोनियम। ये सब चीज को याद रखना है, सेक्स ऑर्गन का नाम है। इसके बाद अब जो हम बात करेंगे, एक टर्म करेंगे सेक्सुअलिटी। अब ध्यान से सुनिए, ये सेक्सुअलिटी क्या है। अब अगर हम इसके बारे में बात करें तो ध्यान दीजिएगा, सेक्सुअलिटी मतलब कि ऑर्गेनिज्म की बात करोगे ना तो एक हुआ, ध्यान देना, एक शब्द होता है यूनि सेक्सुअल। वर्ड पर सब कोई कंसस होके देखिएगा, और एक टर्म होता है बाई सेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल का मतलब होता है जिनके बॉडी में सिंगल सेक्स हो। सिंगल सेक्स मतलब या तो वो मेल हो या तो वो फीमेल, यानी कि आइदर मेल या तो मेल है या तो क्या कहिएगा वो फीमेल, यानी उसमें दोनों सेक्स अवेलेबल नहीं है, वो यूनिसेक्सुअल। अब बाइसेक्सुअल का मतलब या तो अगर मेल और फीमेल की बात करें ना, ये दोनों भी अवेलेबल हो, यानी एक ही सेक्स या बॉडी में, एक ही बॉडी में, यानी एक ही फ्लावर में दोनों सेक्स अवेलेबल हो, उसको हम कहते हैं बाई सेक्सुअल। जैसे यहां एक फ्लावर आपको दिख रहा होगा, अगर इस फ्लावर की बात करोगे ना, ये हिबिस्कस का फ्लावर है, नहीं कहते हो अड़हुल का फूल, तो अगर इस हिबिस्कस फ्लावर की बात करोगे ना
तो हिबिस्कस फ्लावर में देखिए क्या होता है, सब कोई देखे होंगे। यहां पर जो ये पीला पीला दिख रहा है ना, ये येलो वाला, ये सब येलो वाला पोर्शन, ये सब बेटा एंथर है। और उस एंथर के अंदर यहां पर मेल गैमिट का फॉर्मेशन होगा। और ये जो ऊपर में दिख रहा है ये, अगर उसकी बात करोगे ना, ये वाली बात करोगे, ये पोर्शन ये फीमेल है। यानी एक ऐसा फ्लावर जिस फ्लावर में मेल पार्ट और फीमेल पार्ट दोनों अवेलेबल हो, यानी इस फ्लावर में दोनों पार्ट अवेलेबल हो, तो ध्यान दीजिएगा, ऐसे को हम लोग कहते हैं बाईसेक्सुअल। ये बाईसेक्सुअल फ्लावर, यानी इस फूल में मेल और फीमेल दोनों पार्ट अवेलेबल है, ये कहिएगा बाईसेक्सुअल। और अगर एक ऐसा फ्लावर होता जिसमें या तो मेल रहता या तो फीमेल होता, तो ऐसे को हम लोग क्या कह देते, यूनिसेक्सुअल। जैसे हम लोग अपनी बात करें, ह्यूमन बीइंग की बात करें, तो हम लोग क्या हैं, अगर हम लोग मेल हैं तो हमारे पास ऐसी एबिलिटी है, हम सिर्फ स्पर्म को बनाने की क्षमता रखते हैं। और अगर आप फीमेल सेक्स हो तो आपके पास ऐसी एबिलिटी है कि आप ओवम को बनाओगे, यानी आप फीमेल, हम ह्यूमन बीइंग की बात कर रहे हैं या एनिमल की बात कर रहे हैं, अगर हम मेल हैं तो सिर्फ मेल गैमिट बनाने की क्षमता रखते हैं, और अगर हम फीमेल हैं तो फीमेल गैमिट बनाने की क्षमता रखते हैं। यानी जिसके पास ओनली वन टाइप्स ऑफ गैमिट प्रोड्यूस करने की क्षमता हो, ऐसे सेक्स को यूनिसेक्सुअल कहते हैं। एक होता है न्यूटर, न मेल है न फीमेल है, बीच में लटकल नहीं। अब बेटा ये तो हम एक इंडिविजुअल के रिगार्डिंग बात किए, अब सुनिए इसी से रिलेटेड टर्म, एक टर्म आता है, ध्यान दीजिएगा, एक टर्म क्या आता है सुनिए सबको, एक आता है मोनोसियस, मोनोसियस प्लांट, और एक आता है डायोसियस प्लांट। यानी एक हो गया मोनोसियस और एक हो गया डायोसियस प्लांट। अब देखिए डायोसियस मोनोसियस क्या है, एक ऐसा प्लांट ध्यान से सुनिएगा, एक ऐसा प्लांट जिस प्लांट के ऊपर फ्लावर तो है, लेकिन ये फ्लावर देखिएगा ये मेल है, इसका मतलब फ्लावर यूनिसेक्सुअल हो गया। आ इसी प्लांट पर मान लीजिए, सपोज करिए एक और फूल है, आ ये फूल क्या है फीमेल है, तब तो ये फ्लावर दोनों यूनिसेक्सुअल हो गए ना, यानी फ्लावर या तो मेल है या तो फीमेल है। लेकिन ये प्लांट यानी ये प्लांट मेल गैमिट को भी बना सकता है और फीमेल गैमिट को भी बना सकता है, क्यों जी,
क्योंकि इस प्लांट के ऊपर मेल फ्लावर भी है और इस प्लांट के ऊपर फीमेल फ्लावर भी है, यानी इसके पास दोनों है, इसलिए प्लांट दोनों तरह के गैमेट को बना सकता है। तो इस प्लांट को कहिएगा मोनोसियस प्लांट। ऐसा इसमें फूल हो, इसमें मेल भी हो, इसी में फीमेल भी, ये हो जाएगा बाइसेक्सुअल। तो ऐसे कंडीशन में क्या स्थिति होगी, अगर इसकी बात करें कि अगर बाइसेक्सुअल होगा तो ऐसे कंडीशन में फैन ऑफ कर, ऐसे कंडीशन में ये फ्लावर जो है ना, ये क्या करेगा, ये फैन ऑफ, ये फ्लावर जो है ये बाइसेक्सुअल है, ये फ्लावर ध्यान देना ये बाइसेक्सुअल है, यानी एक ही फ्लावर में मेल फीमेल दोनों है। या हो सकता है इस प्लांट पर ऐसा फूल है जो या तो सिर्फ मेल है या तो सिर्फ फीमेल है, लेकिन बउआ ये एक ऐसा प्लांट है जिस प्लांट के पास ये एबिलिटी है कि ये मेल गैमिट को भी बना देगा और ये फीमेल गैमिट को भी बना देगा, तो हम ऐसे प्लांट को मोनोसियस प्लांट कहते हैं। मोनोसियस प्लांट, जैसे हिबिस्कस की बात किए ना, भले वो फ्लावर बाइसेक्सुअल रखता है लेकिन उस प्लांट के पास ऐसी एबिलिटी है कि वो मेल गैमिट को भी बनाएगा और किसको बनाएगा, तो दोनों गैमिट को बनाने की क्षमता रखता है। तो हिबिस्कस का प्लांट मोनोसियस प्लांट है, मैंगो का प्लांट मोनोसियस प्लांट है, ग्वावा का प्लांट मोनोसियस प्लांट है, बहुत सारे प्लांट लगभग प्लांट मोनोसियस है, क्योंकि उन प्लांट के पास ऐसी एबिलिटी है कि वो दोनों गैमिट बना सकते हैं, तो प्लांट बोल दिए मोनोसियस। लेकिन बउआ एक ऐसा प्लांट हो जो सिर्फ मेल गैमिट को बनाता हो और कोई दूसरा ऐसा प्लांट हो उसी सेक्स का, उसी स्पेसीज का, वो फीमेल गैमिट को बनाता है, तो ऐसे कंडीशन में वो जो प्लांट है वो डायोसियस प्लांट होंगे, क्योंकि मेल गैमिट बनाने वाला अलग प्लांट है और फीमेल गैमिट बनाने वाला अलग प्लांट है। तो ये जो प्लांट होंगे कैसे होंगे, डायोसियस। जैसे आप कह सकते हो पपाया, पपीता का प्लांट, पपीता का प्लांट जो होता है बेटा, मेल प्लांट अलग होता है पपाया का, अब फीमेल प्लांट अलग होता है। मेल प्लांट जो होते हैं पपाया पपीता में, वो फ्लावर देंगे उसमें फ्रूट नहीं आता है, तो वो कैसे प्लांट होगा, मेल गैमिट अलग बनाएंगे अब फीमेल गैमिट अलग बनेंगे, तो वो जो प्लांट होंगे वो डायोसियस प्लांट होंगे। तो ये डायोसियस और मोनोसियस शब्द जो है ना, ये प्लांट वो भी हायर प्लांट के लिए यूज करते हैं। अच्छा, अगर इसी शब्द को हम अपने पर सोच लें, हम लोग के लिए शब्द यूज नहीं है, लेकिन अगर हम लोग अपने पर सोचें तो हम लोग एक तरह से डायोसियस हैं, हम लोग एक तरह से क्या है, चूंकि हम लोग के पास क्या एबिलिटी, हम या तो स्पर्म बना सकते हैं या तो ओवम बना सकते हैं, तो इसका मतलब हम लोग एक तरह से डायोसियस होंगे। लेकिन ये डायोसियस शब्द किसमें, प्लांट्स में यूज किया जाता है। एक ऐसा, फिर से वर्ड पर सुनिए लास्ट बार, एक ऐसा प्लांट जिस प्लांट के पास एबिलिटी हो दोनों तरह के गैमिट को बनाने की, ऐसे प्लांट को मोनोसियस प्लांट, और एक ऐसा प्लांट जिसके पास एबिलिटी हो वन ही टाइप के गैमिट प्रोड्यूस करने का, तो ऐसे प्लांट को हम लोग क्या कहते हैं, डायोसियस प्लांट। दूसरी सबसे बड़ी बात, अब देखिए इसी शब्द को हम अल्गी और फंगी में क्या कह सकते हैं। हायर प्लांट में तो बोल दिए मोनोसियस, मतलब एक ऐसा प्लांट जो दोनों तरह का गैमिट बना सकता है, लेकिन अल्गी और फंगी में हम मोनोसियस शब्द यूज ना करके हम वहां पर एक टर्म यूज करते हैं
होमोथैलिज्म, होमोथैलिज्म यानी एक ऐसा अल्गी फंगी, अल्गी या चाहे फंगी जो भी हो, यानी वो बॉडी है दोनों गैमिट बना सकता है। तो दोनों गैमिट जो बना सकता है उसको होमोथैलिज्म, या उसी होमोथैलिज्म के रिगार्डिंग कौन शब्द यूज करेंगे, मोनोसियस। एक ऐसा बॉडी जो मेल गैमिट अलग बनाए, फीमेल गैमिट अलग बनाए, उसको हम लोग कहते हैं हेट्रोथैलिज्म। और इसी हेट्रोथैलिज्म के रिगार्डिंग कौन सा यूज कर सकते हैं, डायोसियस कर सकते हैं। तो इसी चीज का यहां पर देखिएगा थोड़ा सा चर्चा किया हुआ है, ध्यान से देखिएगा। हमने एक वर्ड यहां पर बोला यूनिसेक्सुअल, जैसे आप देखिएगा यूनिसेक्सुअल बात को ध्यान से समझिएगा, टर्म सबको तो नोट्स होगा तो कलर कर लीजिएगा अपना। यूनिसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल का हमने क्या मीनिंग बोला कि जिसके पास सिर्फ एक ही सेक्स हो। जैसे हम लोग क्या है, यूनिसेक्सुअल है, हम लोग या तो मेल है या तो क्या है, फीमेल है, यूनिसेक्सुअल है। तो कह रहा है कि एन ऑर्गेनिज्म विच हैव ओनली वन टाइप ऑफ सेक्स ऑर्गेन, आइदर मेल या फीमेल, आइदर मेल या फीमेल, या तो हम लोग मेल हैं या तो फीमेल हैं, हम लोग हो गए यूनिसेक्सुअल। जैसे ई डॉग साहब को देखिए, नहीं एगो इसमें मेल है एगो फीमेल है, अब कौन मेल फीमेल अपने सोचते रहिए, मियां बीवी दोनों खड़ा है, तो ये जो है ना ये हाँ जो सुंदर होगी फीमेल होगी हमें पता है। चले गौर करिएगा, ये जो आपका है, अरे मेल भी सुंदर होता है, टेंशन मत लो, ये जो है ये बहुआ यूनिसेक्सुअल है, ये यूनिसेक्सुअल है। लेकिन यही देखिएगा एक अर्थवार्म भी है, अर्थवार्म की बात कर दो, लीच की बात कर दो, इसमें क्या है बेटा ध्यान देना, इस बॉडी में क्या है, ये जैसे अर्थवार्म है बगल में कारा का दिया है, अब इस अर्थवार्म में क्या है देखिएगा, इसी बॉडी के पास टेस्टिस भी है, एक के शरीर में क्या है ओवरी भी है। तो इसका मतलब ये वाला अर्थवार्म कौन है, बाइसेक्सुअल। अर्थवार्म क्या हो गया, बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल को ही हम हर्माफ्रोडाइट कह देते हैं, यानी एनिमल में हर्माफ्रोडाइट कह सकते हैं। तो बाइसेक्सुअल का मतलब ऐसा बॉडी जिसमें दोनों सेक्स अवेलेबल हो, यानी दोनों तरह का गैमिट बना सकता हूं। और जो वन टाइप का गैमिट बनाएगा फ्लावर वो यूनिसेक्सुअल। अब जैसे हिबिस्कस का फूल क्या होगा, बाइसेक्सुअल फ्लावर है। अब इसके बाद सुनिए आगे, अभी जो टर्म बोल रहे थे एकदम प्यार से देखिए, बड़ी मस्त टर्म है। हमने एक शब्द बोला होमोथैलिज्म, यानी यहां पर क्या लिखा है, सेक्सुअलिटी ऑफ लोअर ऑर्गेनिज्म। ये हायर ऑर्गेनिज्म की बात नहीं कर रहे हैं, ये लोअर ऑर्गेनिज्म की बात हो रही है, लोअर ऑर्गेनिज्म। अब जैसे यहां बात करेंगे लोअर ऑर्गेनिज्म किस में, तो अल्गी फंगी के केस में कहा गया। अब होमोथैलिज्म मतलब एक कंडीशन में अपोजिट गैमिट ओरिजिनेट फ्रॉम सेम इंडिविजुअल, अपोजिट गैमिट ओरिजिनेट फ्रॉम सेम इंडिविजुअल, यानी एक क्या बॉडी से दोनों गैमिट बन गया, होमोथैलिज्म। अब हुआ यही अगर प्लांट लगते तो उस प्लांट को कह देते मोनोसियस प्लांट। तो होमोथैलिज्म और मोनोसियस दोनों एक ही शब्द है, लेकिन होमोथैलिज्म लोअर प्लांट अल्गी फंगी में यूज करेंगे, और होमोथैलिज्म अल्गी फंगी में यूज करेंगे। अब मोनोसियस शब्द बड़े बड़े पेड़ पौधा में यूज करेंगे। अब देखिए तो ये कह रहा है क्या, अपोजिट गैमिट कितने बॉडी से, सेम बॉडी से बन जाए। आगे कह रहा है क्या कि दिस क्या कहिएगा, कंडीशन आर नोन इज मोनोसियस कंडीशन, मोनोसियस कंडीशन। और दूसरा कहा जा रहा है हेट्रोथैलिज्म, मतलब मेल गैमिट अलग शरीर से
अब फीमेल गैमेट अलग शरीर अलगी फंगी में, अगर ये शब्द अलगी फंगी में यूज करते हैं तो आप उसको कहिएगा हेट्रोथैलिज्म, और यही शब्द अगर हायर प्लांट में कह देते हैं तो कह दीजिए डायोसियस। तो ये कह रहा है कि कंडीशन में अपोजिट गैमेट ओरिजिनेट फ्रॉम डिफरेंट इंडिविजुअल, गैमेट ओरिजिनेट फ्रॉम मेल गैमेट अलग शरीर से बनेगा और फीमेल गैमेट अलग शरीर से बनेगा, तो उसके लिए हम टर्म यूज कर देंगे हेट्रोथैलिज्म अलगी फंगी में। यही चीज अगर बड़े प्लांट में बात कर दे तो उसके लिए डायोसियस कंडीशन कह देंगे। तो याद रखिएगा टर्म, एक जगह लिस्ट बना के लिख लिख करके रखिएगा तो ज्यादा काम देगा। अब सुनिएगा, अब कह रहा है कि सेक्सुअलिटी इन एनिमल, अभी तक हमने शब्द किसके लिए यूज किया था, प्लांट्स के लिए। यूनिसेक्सुअल मतलब ऐसा फ्लावर जिसमें एक सेक्स, बाइसेक्सुअल मतलब जिस फ्लावर में दोनों सेक्स, होमोथैलिज्म एक ऐसा बॉडी जो दोनों तरह का गैमेट प्रोड्यूस कर दे, और यही चीज अगर हायर प्लांट में कह देंगे तो मोनोसियस, और डायोसियस जिसमें मेल फीमेल अलग अलग गैमेट अलग अलग प्लांट से बने, और यही अगर लोअर अलगी फंगी में वर्ड यूज करेंगे तो हेट्रोथैलिज्म। अब आइए, हमने बोला था ना सेक्सुअलिटी ऑफ एनिमल्स में हम सब कोई यूनिसेक्सुअल है, हम सभी कोई जो है ना वो बाइसेक्सुअल है, अर्थवर्म हो गया, लीच हो गया, ये सब हर्माफ्रोडाइट कह सकते हैं, यानी एक के शरीर में दोनों सेक्स है। तो देखिएगा एनिमल्स आर मोस्टली यूनिसेक्सुअल, जैसे इंसेक्ट जितने भी कीट पतंग हैं सब यूनिसेक्सुअल हैं, आपका चिड़िया यूनिसेक्सुअल है, आपका रेप्टाइल यूनिसेक्सुअल है, आपका दूसरी बात करेंगे एम्फीबियंस जैसे मेढक साहब यूनिसेक्सुअल है, और मेमेलिया में तो सब ही है, गधा से लेके बकरी से लेके आदमी से लेके सबको ही हम लोग भी यूनिसेक्सुअल है। आप बाइसेक्सुअल क्या बोले, करेंगे देयर आर सम ये बाइसेक्सुअल है, यहाँ यूनि नहीं, इसको क्रॉस करके बाइसेक्सुअल कर दीजिए, ये बाइसेक्सुअल एनिमल जैसे अर्थवार्म स्पंज टेपवार्म लीच ये सब बाइसेक्सुअल है, यूनि को काट के बाई कर दीजिएगा। अब ये सेक्सुअलिटी ऑफ प्लांट्स, यूनिसेक्सुअल फ्लावर बोले तो ना भी यूनिसेक्सुअल फ्लावर यानी वैसा फ्लावर जो आइदर मेल आइदर फीमेल, करा यूनिसेक्सुअल फ्लावर सेट टू बी स्टा। अब देखो बेटा बहुआ, मेल को कहते हैं स्टामेन और फीमेल को कहते हैं कार्पेल, सुनिए, अरे मेल जो है ना उसको एंड्रोसियम या स्टामेन, सही मायने में एंड्रोसियम के यूनिट को स्टामेन कहते हैं, और गाइनेसियम के यूनिट को कार्पेल या पिस्टिल कहते हैं। सुनिए, फ्लावर में एक दो गो फूल में एक गो मेल होता है, दुनिया भर का मेल होता है, तो सबको एक साथ मिला के एंड्रोसियम मेल मेल फ्लावर में जो मेल है उसको एंड्रोसियम, और उसके यूनिट को कहते हैं स्टामेन, मेल एंड्रोसियम और यूनिट को स्टामेन। अब ऐसा फ्लावर जिस पर सिर्फ मेल ही है यानी सिर्फ स्टामेन ही है, ऐसे फ्लावर को स्टामिनेटेड फ्लावर, और फीमेल को कहते हैं गाइनेसियम, और गाइनेसियम की यूनिट को क्या कहते हैं कार्पेल या पिस्टिल। तो ऐसा फ्लावर जिस पर सिर्फ फीमेल ही हम उसको पिस्टिलेटेड फ्लावर कह सकते हैं। अब कोई फ्लावर स्टामिनेटेड यानी सिर्फ मेल को रखा है, अरे तब तो यूनिसेक्सुअल ही ना है क्योंकि सिर्फ मेल को रखा है, स्टामिनेटेड है सिर्फ मेल को रखा यूनिसेक्सुअल, अब पिस्टिलेटेड है सिर्फ किसको रखा फीमेल को ही रखा तो भी क्या है यूनिसेक्सुअल है। तो यूनिसेक्सुअल या स्टामिनेटेड हो सकता है या पिस्टिलेटेड हो सकता है, स्टामिनेटेड ओनली स्टामेन यानी मेल, अब पिस्टिलेटेड ओनली फीमेल। तो यहां देखिएगा कंडीशन
कह रहा है क्या, आपका बेसिकली यहां पर चर्चा अगर देखा जाए, देखिए क्या है वर्ड में, यूनिसेक्सुअल फ्लावर आर सेड टू बी, यूनिसेक्सुअल फ्लावर आर सेड टू बी एस्टामिनेटेड या पिस्टिलेटेड, एस्टामिनेटेड या पिस्टिलेटेड। अब देखिए आगे एस्टामिनेटेड का मतलब लिखा क्या, फ्लावर हैज एस्टामेन वल्ली, फ्लावर हैज एस्टामेन वल्ली, यानी एक ऐसा फ्लावर जिसमें सिर्फ एस्टामेन हो, यानी सिर्फ मेल हो, तो ऐसे फ्लावर को क्या कहिएगा, एस्टामिनेटेड। और दूसरा कह रहा है एक ऐसा फ्लावर, क्या कह रहा है, वेयर पिस्टिलेटेड, यानी पिस्टिलेटेड का मतलब हो गया कि वल्ली क्या है, पिस्टिल। अगर वल्ली पिस्टिल है यानी वल्ली फीमेल है तो पिस्टिलेटेड हो गया। तो अगर पिस्टिलेटेड फ्लावर होगा तो भी यूनिसेक्सुअल होगा, अरे पिस्टिलेटेड फ्लावर होगा तो भी यूनिसेक्सुअल होगा, और अगर एस्टामिनेटेड फ्लावर होगा तो भी यूनिसेक्सुअल होगा, क्योंकि वह या तो मेल है या तो फीमेल है, तो यूनिसेक्सुअल। अब देखिए, अब इसी पर मैं बोले थे वर्ड मोनोसियस प्लांट और एक क्या बोले थे डायोसियस, एकदम याद रखिए, सबको कलर कर लीजिएगा। मोनोसियस वेन एस्टामिनेटेड और पिस्टिलेटेड फ्लावर आर प्रेजेंट ऑन द सेम प्लांट, यानी एक ही प्लांट में क्या हो, दोनों सेक्स अवेलेबल हो। अगर एक ही प्लांट में दोनों सेक्स अवेलेबल होगा तो बेटा वो मेल भी गैमिट बना देगा और फीमेल भी बना देगा, दोनों बना देगा, तो उसको आप कह दीजिएगा मोनोसियस। और कह रहा है डायोसियस, या तो प्लांट मेल गैमिट को देगा या तो प्लांट फीमेल गैमिट को देगा, ऐसे कंडीशन में उसको क्या कहिएगा, डायोसियस प्लांट। तो ये टर्म जरूर कलर करिएगा, कंडीशन में एस्टामिनेटेड या पिस्टिलेटेड फ्लावर आर प्रेजेंट ऑन क्या कहिएगा, सेपरेट प्लांट, याद रखिएगा। तो हम यूनिसेक्सुअल की बात की अभी और उसमें मोनोसियस और डायोसियस। अच्छा बाइसेक्सुअल क्या बोले भाई, अच्छा यहां देखिएगा तो गौर से आप लोग थोड़ा ये इमेज को देखिए, फर्स्ट वाला, इस इमेज, ये जो फर्स्ट वाला इमेज है, अगर इस इमेज को देखिएगा तो इसमें आप लोग को देख के लग रहा है ना, ये आपका आर्ची गोनियोफोर है, आर्ची गोनिया फीमेल है, और ये आपका एंथ्रिडियोफोर है, फीमेल है ना, तो सॉरी मेल, इसका मतलब ये मेल है और ये फीमेल, यानी कि एक प्लांट मेल है एक प्लांट फीमेल है, इसका मतलब मेल प्लांट सिर्फ मेल गैमिट को देगा और फीमेल प्लांट सिर्फ फीमेल गैमिट को देगा, तो इस पर फ्लावर यूनिसेक्सुअल हो जाएंगे। अगर ये प्लांट बॉडी है तो कैसा प्लांट बॉडी होगा, डायोसियस, क्योंकि एक प्लांट है जो सिर्फ मेल गैमिट देगा और एक प्लांट है जो सिर्फ फीमेल गैमिट देगा, तो ये डायोसियस हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। लेकिन यहां देखिएगा एक और है, इस फ्लावर को देखिए, अगर इस फ्लावर को ध्यान से देखिएगा तो ध्यान से देखिएगा इसको, ये फ्लावर जो है, अब इस फ्लावर को देखिए ध्यान से गौर से, इस फ्लावर में एक यहां पर क्या है, ये जो आप रेडिश कलर का गोल गोल देख रहे हैं ना, वो एंथर है, क्या है, एंथर, देखिए लिखा होगा ये एंथर है, इसका मतलब ये मेल सेक्स ऑर्गेन है, क्या है, अब अगर एंथर है तो ये बनाएगा अंदर में पोलन ग्रेन, क्या बनाएगा, पोलन ग्रेन बना देगा, लेकिन ये भी आप देख रहे हो ना, इसी फूल में यहां पर ओवरी ओव्यूल भी है, तो इसका मतलब क्या है, एक ऐसा फ्लावर है जिस फ्लावर में मेल पार्ट भी है और उसी फ्लावर में कौन है, इसका मतलब फ्लावर कैसा होगी, बाइसेक्सुअल फ्लावर होगी, नहीं, अच्छा अगर ऐसा फ्लावर किसी प्लांट पर पाया जाए
हम ऐसे प्लांट को कह सकते हैं मोनोसियस प्लांट? नहीं कह सकते, क्योंकि एक ही प्लांट है। अरे फूल उसमें बाइसेक्सुअल है, तो एक ऐसा प्लांट जो दोनों तरह का गैमिट प्रोड्यूस करे, कि मेल भी गैमिट दे देगा और कौन गैमिट देगा, तब प्लांट के लेवल पर क्या हो जाएगा? मोनोसियस प्लांट हो जाएगा। अब फ्लावर के लेवल पर बाइसेक्सुअल फ्लावर हो जाएगा। तो ये कुछ टर्म थे। अब आगे सुनिए, एक शब्द होता है गैमिटोजेनेसिस। क्या होता है? गैमिटोजेनेसिस। बहुआ गौर से सुनना, गैमिटोजेनेसिस का मतलब होता है गैमिट का बनना। बात को प्यार से सुनिए, गैमिट का बनना। जैसे बात करें हम एक मेल सेक्स की, बात करें मेल का, और एक बात हम कर लें फीमेल का। वो प्यार से सुना, ज्यादा डिटेल को नहीं बताएंगे लेकिन टर्म समझ लीजिए। अगर मेल की बात करें तो, या फीमेल की बात करें, दोनों में अगर मेल गैमिट बनाएगा तो मेल के गैमिट को स्पर्म कहेंगे, और जो फीमेल गैमिट बनाएगी उसका गैमिट ओवम होगा। तो मेल में स्पर्म का बनना यानी गैमिट का बनना, गैमिटोजेनेसिस। अब फीमेल में ओवम यानी गैमिट का बनना, यह भी गैमिटोजेनेसिस। लेकिन नाम अगर कर दें तो मेल में गैमिट स्पर्म बनना है तो स्पर्मेटोजेनेसिस, और फीमेल में क्या बनना है? ओवम, तो ऊजेनेसिस। यानी ऊजेनेसिस और स्पर्मेटोजेनेसिस। ए बेटा, इसी को कहते हैं गैमिटोजेनेसिस। यानी गैमिटोजेनेसिस मतलब गैमिट का बनना, और ये दो तरह के हो गए। अगर मेल में गैमिटोजेनेसिस होता है तो उसको आप स्पर्मेटोजेनेसिस कहिएगा, और अगर फीमेल में कहीं गैमिटोजेनेसिस होता है तो आप उसको ऊजेनेसिस कहिएगा। लेकिन दोनों कंडीशन में क्या होगा? गैमिट का ही फॉर्मेशन होगा। क्या होगा? गैमिट का फॉर्मेशन होगा। अब एक्चुअली होता क्या है, अगर मेल में टेस्टिस के अंदर में, मेल में, और अगर फीमेल की बात करें तो ओवरी के अंदर, अब क्या होगा? हमारे मेल में जो टेस्टिस है ना, उसके अंदर में जर्मिनल एपिथेलियम सेल होता है, या उसको हम स्पर्म मदर सेल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पर्म मदर सेल कहते हैं। इसी ये डिप्लोइड होता है हम लोग का अगर कहे तो। अब इसमें क्या होगा? माइटोसिस होगा, नहीं मियोसिस। क्या होगा? मियोसिस होगा। तो यहां पर मेल में बन जाएगा क्या? स्पर्म। तो जर्मिनल एपिथेलियल सेल, जर्मिनल एपिथेलियल सेल या स्पर्म मदर सेल से स्पर्म का बनना, यह गैमिटोजेनेसिस ही है। लेकिन गैमिटोजेनेसिस का कौन सा टाइप हो जाएगा? स्पर्मेटोजेनेसिस। क्या हो जाएगा? यानी मेल में गैमिट बनने को स्पर्मेटोजेनेसिस, या फीमेल के ओवरी में भी, या तो ओगोनियम मदर सेल का यहां पर ओसाइट होता है, या जर्मिनल एपिथेलियम ही बोले, और अंत में यह फीमेल के अंदर बन जाता है ओवम। लेकिन यहां पर भी मियोसिस से ही बनता है, लेकिन फीमेल में जो गैमिटोजेनेसिस है इसका हम नाम देंगे ऊजेनेसिस। क्या नाम देंगे? ऊजेनेसिस। तो फीमेल में हो गया ऊजेनेसिस, और मेल में हो गया स्पर्मेटोजेनेसिस, लेकिन दोनों टाइप ऑफ गैमिटोजेनेसिस। स्पर्म भी गैमिट, ओवम भी गैमिट। तो स्पर्म के बनने को स्पर्मेटोजेनेसिस, और ओवम के बनने को ऊजेनेसिस कह देंगे। तो इसका मतलब जो गैमिट बनता है ना, गैमिट,
अब कहिएगा किसी किसी में हैप्लोइड बॉडी है तो हम माइटोसिस करके गैमिट बना देगा, तो वो तो आपका हैप्लोइड से गैमिट बना। अरे तो जनरली हायर ऑर्गेनिज्म में डिप्लोइड सेल में मियोसिस होता है तो क्या बनता है गैमिट, और वही गैमिट जब आपस में मिलते हैं तो गैमिट के मिलने को फर्टिलाइजेशन, तो जाइगोट होगा, जाइगोट बड़ा होगा बुतरू बनेगा नहीं, तो गैमिटोजेनेसिस का मतलब होता है गैमिट का बनना। ये दो नंबर का 12th में क्वेश्चन आता है, व्हाट डू यू मीन बाय गैमिटोजेनेसिस, या सीबीएसई में एक 1 मार्क्स का दे देता है नहीं। अब वही चीज अगर स्पर्मेटोजेनेसिस पूछ दिया तो 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। अब स्पर्मेटोजेनेसिस पूछेगा तो डिटेल अबाउट स्पर्मेटोजेनेसिस या ओजेनेसिस, लेकिन ओजेनेसिस इज ए टाइप ऑफ गैमिटोजेनेसिस इन केस ऑफ फीमेल, स्पर्मेटोजेनेसिस इज ए टाइप ऑफ गैमिटोजेनेसिस इन केस ऑफ मेल। मेरी बात समझ में आ रही होगी। अब यहां पर ध्यान से देखा जाए, अगर यहां पर वर्ड पर केयर करें तो देखिएगा क्या लिखा, इवेंट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर है गैमिटोजेनेसिस, बहुत पॉपुलर टर्म है, कलर कर सकते हैं। कर है क्या, गैमिट डेवलप बाय सेल डिवीजन इन ए गैमिट मदर सेल, वही जो जर्म सेल कहते हैं। अब गैमिट को बनाने वाला है तो उसको क्या कहिएगा, गैमिट मदर सेल कर देंगे, याद रखिएगा टर्म। और आगे क्या रहा है, क्या गैमिट मदर सेल मे बी डिवाइड, क्या कह रहा है, मे बी डिप्लॉइड या हैप्लॉइड। अरे गैमिट मदर सेल डिप्लॉइड हैप्लॉइड कुछ भी हो सकता है, अगर डिप्लॉइड होगा तो मियोसिस हो जाएगा, हैप्लॉइड होगा तो माइटोसिस होगा। डिप्लॉइड होगा तो क्या होगा, मियोसिस, हैप्लॉइड होगा तो माइटोसिस। अब जैसे मान लीजिए अगर अपने बॉडी में बात करें डिप्लॉइड होगा तो मियोसिस होगा, और लोअर जहां पर गैमिटोफाइट बॉडी होता है वहां पर माइटोसिस हो जाएगा, जैसे थैलोफाइटा सबके केस में। अब देखिए कह रहा है क्या, इन हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म या डिप्लॉइड, इन डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म गैमिट में भी क्या आपका फॉर्म है 2 टाइप्स, एक माइटोसिस और मियोसिस। कलर करिएगा बउआ, अगर गैमिट माइटोसिस से बनता है तो याद रखना बॉडी हैप्लॉइड है, अगर गैमिट माइटोसिस से बनता है तो समझ जाइएगा बॉडी हैप्लॉइड है, हैप्लॉइड बॉडी होगा तभी गैमिट माइटोसिस से बनेगा, और अगर गैमिट मियोसिस से बनता है तो समझ जाइएगा बॉडी डिप्लॉइड है। तो देखिएगा माइटोसिस हैप्लॉइड गैमिटोफिटिक बॉडीज इंडिविजुअल जैसे प्लांट्स और फंगी, और चूंकि प्लांट इसीलिए लिखा क्योंकि स्पोर भी बनते हैं, अभी चर्चा होगा अगले टॉपिक में। और डिप्लॉइड इन्वॉल्व गैमिट मदर सेल नोन एज मियोसाइट, दैट इज इन एनिमल केस। ये नहीं कह सकते हैं कि अगर गैमिट बेटा डिप्लॉइड शरीर से बनता है तो मियोसिस, और गैमिट अगर हैप्लॉइड सेल से बनता है तो माइटोसिस। इस चीज को याद रखिएगा। अब यहां पर एक इमेज है, इस इमेज को अगर देखा जाए तो गौर करिएगा, देखिए यहां पर दोनों का चर्चा किया गया, ओजेनेसिस ओभम का बनना। अब यहां पर देखिएगा प्राइमरी ओसाइट में मियोसिस होगा, सेकेंडरी ओसाइट यानी ओभम बन जाएगा, और यहां पर मेल के यहां पर स्पर्म बन जाएगा, और जब यही ओभम और स्पर्म आपस में मिलेंगे तो फर्टिलाइज करके जाइगोट, और जाइगोट से क्या बनेगा एम्ब्रियो। तो गैमिट के बनने को क्या कहते हैं, गैमिटो। यही अगर गैमिट बनने का फीमेल में हो रहा है इसको कहिएगा ओजेनेसिस, और यही अगर मेल में हो रहा होता इधर इसको हम कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस। तो इसको हम कहते हैं गैमिट का बनना, तो गैमिट के बनने को हम कह दिए गैमिटोजेनेसिस। अब इसके बाद अब यहां पर क्वेश्चन आता है कि गैमिट कैसे ट्रांसफर होता है। हम एक दो का वर्ड अभी बोल के फिर अगले लेक्चर के लिए छोड़ देंगे गैमिट का ट्रांसफर। सुनिए गौर से, अगर कोई फ्लावर है, सपोज करिए ये थैलस है,
कैलिक्स, कोरोला, ये एंडोसियम आईसी पर सपोज कर बेटा एंथर, एंथर इसी एंथर के अंदर में सपोज करिए आप पोलन ग्रेन बना, पोलन ग्रेन बना, और इसी फ्लावर पर सपोज ऐसा भी कर लो कि इस पर क्या है फीमेल भी, जैसे ये ओवरी है, ये स्टाइल है, यहां स्टिग्मा है, इसमें ओव्यूल है। अब हम करना क्या चाह रहे हैं, ये पीला वाला जो मेल गैमिट मान लो, अब इस गैमिट को हम यहां पर लाना चाहते हैं, तो कैसे लाएंगे, तो सबसे पहले होगा मेल का गैमिट पॉलिनेशन करके कहां जाएगा फीमेल में, गैमिट के ट्रांसफर को क्या कहते हैं पॉलिनेशन। इन केस ऑफ प्लांट ट्रांसफर ऑफ मेल गैमिट कहां से, फ्रॉम एंथर, ट्रांसफर ऑफ मेल गैमिट फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, टू स्टिग्मा, इसी को हम कहते हैं पॉलिनेशन। गैमिट तो ट्रांसफर करवा रहे हैं, अब फिर यहां पर जब गैमिट आ जाएगा ना तो इसमें पोलन ट्यूब बनेगा, और उस पोलन ट्यूब से गैमिट आ जाएगा इसके अंदर में, ओव्यूल के अंदर। ए बेटा यहां पर ये बड़ा वाला है ओवरी प्लांट में, आई ओवरी के अंदर जो छोटका है इसका नाम क्या है ओव्यूल, तो गैमिट का ट्रांसफर कैसे हुआ, पहले एंथर से पोलिनेट होकर क्या है स्टिग्मा पर, अब फिर स्टिग्मा से पोलन ट्यूब होता हुआ कहां चला है ये प्लांट के केस में। हम एनिमल की बात करेंगे, अलग अलग मोड होगा, सेक्सुअल रिलेशन से जाएगा, जैसे मेल फीमेल सेक्सुअल क्वाइटस में जब जाएंगे तो मेल का सीमेन फीमेल के वजाइना में जाएगा, तो ये इंसेमिनेशन होता है, अलग अलग जानवर का अलग अलग तरीके से होता है। यानी गैमिट ट्रांसफर मतलब मेल का गैमिट फीमेल के गैमिट में चले जाता, चाहे वो पॉलिनेशन करके पॉलन ट्यूब बना के जाए या सेक्सुअल क्वाइटस से जाए, अलग अलग एनिमल में अलग अलग तरीके से गैमिट का ट्रांसफर होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आपका जो पार्ट है अलग अलग ऑर्गेनिज्म का दिखा देंगे कैसे गैमिट ट्रांसफर होता है, तो क्लियर हो जाएगा, ब्रेन इमेज बन जाएगा, और कल हम लोग ये खत्म तो हो जाएगा फर्स्ट चैप्टर, और इसमें क्वेश्चन एनसीईआरटी में जितना भी क्वेश्चन है, एक तो बुकलेट में भी कुछ क्वेश्चन होगा और एनसीईआरटी में जितना क्वेश्चन है एक एक क्वेश्चन को भी हम लोग करवा देंगे। आज के लिए इतना ही।